मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर जीके क्लास। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 28। द नेम ऑफ द चैप्टर 28 इज फेस्टिवल्स, त्यौहार। इंडिया इज द कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। भारत जो है वो एक त्यौहारों का देश है। ऑल रिलीजन्स सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स विद जॉय एंड हारमोनी। ठीक है, हम जितने भी धर्म के जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही खुशी से और हारमोनी से, मतलब साथ में मिलजुल कर। तो यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स के नेम दिए हुए हैं, साथ में आपको पिक्चर्स भी दी हुई है। फर्स्ट है यहाँ पर होली। होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड जॉय, सेलिब्रेट इन मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, जो होली का त्यौहार है वह कलर्स एंड जॉय, रंगों का और खुशियों का त्यौहार होता है। और इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च के महीने में। ठीक है, जो कि अब आने वाली है। नाउ नेक्स्ट है दिवाली। दिवाली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट। ठीक है, जो दिवाली है वह भारत का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और इसको लाइट फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, रोशनी का त्यौहार। ठीक है, लाइट मतलब होता है रोशनी, क्योंकि यहाँ पर इस फेस्टिवल पर सब दूर लाइट ही लाइट होती है। और जब फटाके जलाते हैं तो उससे भी क्या होता है, लाइट ही लाइट होती है। सब अपने घरों में बहुत सारी लाइटिंग लगाते हैं, इसलिए इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन इज़ अ फेस्टिवल ऑफ सिस्टर ब्रदर रिलेशनशिप। ठीक है, ये भाई बहन के रिश्ते का एक त्यौहार है, जिसमें जो बहन है वो बहुत ही प्यार से अपने भाई को एक रक्षा सूत्र बांधती है, जिसको राखी कहा जाता है। और भाई उसको पूरे जीवन भर उसकी रक्षा करने के लिए वचन देता है। नाउ नेक्स्ट है ईद उल फितर। ईद उल फितर इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ रमज़ान। ठीक है, पूरे एक महीने की फास्टिंग के बाद, एक महीने के उपवास के बाद ईद उल फितर सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। जो एक महीना होता है उसको रमज़ान कहते हैं। तो रमज़ान का एक पूरा महीना, 30 डेज का पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद ईद उल फितर, ईद जो है वो मनाई जाती है। नाउ नेक्स्ट है दशहरा। दशहरा इज़ अ हिंदू फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। ठीक है, ये एक हिंदू मतलब हिंदू त्यौहार है, हिंदू धर्म का त्यौहार है दशहरा, जिसको बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट है क्रिसमस। क्रिसमस सेलिब्रेट्स जीजस क्राइस्ट बर्थडे ऑन दिसंबर 25। ठीक है, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है और जीजस क्राइस्ट के बर्थडे के रूप में इसको मनाया जाता है। ये क्रिश्चियन फेस्टिवल है, ईसाइयों का त्यौहार है। जो जीजस क्राइस्ट थे वो इनके गॉड है और उनकी बर्थडे के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है लोहड़ी। लोहड़ी इज़ एन एक्सट्रीमली पॉपुलर पंजाबी एग्रीकल्चर विंटर फेस्टिवल। ये एक विंटर फेस्टिवल है, मतलब ठंड के समय में आने वाला त्यौहार है, जो कि जनवरी मंथ में आता है और बहुत ही पॉपुलर है। ये पंजाब का एक एग्रीकल्चर मतलब खेती से संबंधित त्यौहार है। जब इनकी फसल पकती है तो ये लोहड़ी मनाते हैं। नाउ नेक्स्ट है पोंगल। पोंगल इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया एट द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। ठीक है, ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब जब फसलों की कटाई होती है साउथ इंडिया में, जब इसको मनाया जाता है इस सीज़न में, और इसको क्या कहते हैं, पोंगल। नाउ नेक्स्ट है गुरु पर्व। गुरु पर्व ऑल्सो नोन एज गुरु नानक जयंती इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट डिवोशन। जो गुरु पर्व है इसको गुरु नानक जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, गुरु नानक जयंती के नाम से जाना जाता है। जो पंजाबी लोग हैं वो इसको बहुत ही डिवोशन मतलब बहुत इसको धार्मिकता से और अपने पूरी लगन से इसको मनाते हैं। और इनके जो गुरु थे उनकी बर्थडे के दिन इसको गुरु नानक जयंती को मनाया जाता है। गुरु नानक जो है वो सिखों के क्या थे, गुरु थे। नाउ नेक्स्ट है महावीर जयंती। महावीर जयंती इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ महावीर द लास्ट जैन तीर्थंकरा। ठीक है, सबसे लास्ट जो जैन तीर्थंकरा के जो भगवान है, जो उनको अपने गॉड मानते हैं, वो है महावीर। महावीर के बर्थडे के रूप में महावीर जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ कॉमन फेस्टिवल्स हैं जो कि भारत में मनाए जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारे फेस्टिवल्स।
तो इनको आपको नेम के साथ पढ़ना है और इनके जो नेम्स हैं फेस्टिवल्स के वो आपको लर्न करना है। नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज है आपकी ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट दिस नेशनल फेस्टिवल्स। यहाँ पर नेशनल फेस्टिवल्स की पिक्चर और नेम दिए हैं, आपको यहाँ लिखना है कि ये कब और किस दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं वो लिखना है आपको, यहाँ पर डेट लिखना है और उसका मंथ लिखना है। रिपब्लिक डे, व्हेन वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। एंड लास्ट है गांधी जयंती, व्हेन वी सेलिब्रेटेड गांधी जयंती। ओके, तो ये तीनों आपको यहाँ पर अपना वर्क अपनी बुक में कंप्लीट करना है और बाकी जो फेस्टिवल्स हमने पढ़े उनके नेम आपको स्पेलिंग के साथ लर्न करना है। थैंक यू।